हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मयूज़ डाइनिंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ एगलेस हनी केक, एंड वो भी कढ़ाई में। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो गाइस मैं यहाँ पे ले रही हूँ दही, एंड उसके बाद पाउडर शुगर, शक्कर, एंड इसमें ऑयल, आप मेल्टेड घी भी ऐड कर सकते हो, वैनिला एसेंस। बस इसको आपको अच्छे से ना एक ही डायरेक्शन में मिलाना है गाइस, ये आपको याद रखना है। ये अच्छे से मिलाने के बाद ऑलमोस्ट आपको 5 to 10 minutes के लिए मिलाना है गाइस कंटिन्यूसली इसमें। उसके बाद आपको इसमें मैदा ऐड करना है, एंड ये पूरा प्रोसेस आपको सिंगल डायरेक्शन में ही करना है। एंड इसमें बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, एंड इसके बाद भी आपको कंटिन्यूसली 10 minutes के लिए मिलाना है। एंड इस तरह से टेक्सचर होने के बाद तुरंत आपको एक पतीली में ऐड करना है, किसी भी स्टील हो या कौन से भी आपके पास जो भी अवेलेबल है। एंड पहले ही मैंने गैस में कढ़ाई में ना थोड़ा सा नमक ऐड करके रखा था 10 मिनट के लिए। एंड जैसे ही 10 मिनट हो जाएंगे, एंड जैसे आप बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर ऐड करते हो ना, तो तुरंत मिलाने के बाद आपको इसमें रखना है गाइस। एंड देख रही हो गया, ऑलमोस्ट 25 to 30 minutes के लिए मैंने ये रखा था, देख सकते हो परफेक्ट हो गया है एंड एकदम सॉफ्ट हो गया है। ना ही इसमें मैंने एग यूज़ किया है, ना ही कुछ अलग या ओवन यूज़ किया है, माइक्रोवेव नहीं। अब जस्ट जो भी रेशोज़ मैंने दिए ना, वो आप फॉलो कर लेना। अब यहाँ पे मैंने ना हनी अप्लाई कर रही हूँ, हनी में थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने। आप डायरेक्ट भी हनी ऐड कर सकते हो, बट ये पूरा अंदर तक जाने के लिए मैंने इसमें पानी ऐड किया है। एंड उसके बाद जो मेरे पास जो भी घर में जाम था वो ना मेल्ट किया है, मेल्ट करके ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड नारियल का बुरादा, ये सारी चीज़ें तो वैसे एक्सटर्नल है, अगर आप नहीं भी चाहते हो ये तो डेकोरेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आप डायरेक्ट जो मैंने स्पॉन्ज केक बनाया था वो भी आप खा सकते हो। एंड चॉकलेट जो कि मेरे पास डेरी मिल्क था, उसको मेल्ट करके मैंने इस तरह से ऐड किया है। सो ये केक रेडी है गाइज, एक बार ज़रूर ट्राई करना। एंड जो भी रेशोज़ है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही आप अगर यूज़ करते हो ना, आपका केक परफेक्ट बन जाएगा। देख सकते हो एकदम सॉफ्ट बना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका केक बहुत अच्छा बन जाएगा ये, एंड टेस्टी भी उतना ही लगता है। ज़रूर ट्राई करना गाइज, कॉमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।